लिखिए, यदि वाई ए डी आई लिमिट एग्जिस्ट है तो कंटिन्यूअस हो सकता है। यस, मतलब जरूरी नहीं है कंटिन्यूअस हो, मगर मतलब कंटिन्यूटी होने के लिए सबसे जरूरी शर्त क्या हो गई? लिमिट एग्जिस्ट होना। अगला पॉइंट लिखिए, यदि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो सकता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, इसका मतलब यदि हमें कहा जाए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू a पर, क्या लिखा, तो वह उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा और वहां लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। आगे लिखे, यदि x इज इक्वल टू b पर कर्व शार्प कॉर्नर बना रहा है, नुकीला है, शार्प कॉर्नर बना रहा है मतलब नुकीला है, या हम कह सकते हैं वहां कर्व का स्लोप अचानक चेंज हो रहा है, तो वहां डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी, यस। आगे लिखिए, x इज इक्वल टू c पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वहां पर कर्व स्मूथ है, यदि अपन नुकीली सतह से टकराएंगे तो चोट लगती है, और स्मूथ से टकराएं तो नहीं लगती। जैसे ये लकड़ी का कॉर्नर था तो पहले नुकीला था 90 डिग्री पर, और हम टीचर यहाँ खड़े हैं और गलती से सिर टकरा जाए तो नोक यहाँ लगेगी, तो मैंने उसको कटवा के गोल करवा दिया। अब टकराएंगे तो उतना नहीं लगेगा जितना पहले लगने के चांसेस थे। तो यदि स्मूथ है मतलब स्लोप धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो डिफरेंशिएबल है, अचानक चेंज हो रहा है ऐसे नुकीला है तो नॉट डिफरेंशिएबल। आगे लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, नुकीली यानी कि शार्प कॉर्नर पर एक्चुअली एल एच डी, ब्रैकेट में लिख दीजिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एंड आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग होता है, यानी लेफ्ट साइड का स्लोप और ए यू आर राइट साइड का स्लोप अलग अलग होता है, तो उस पॉइंट का खुद का कोई स्लोप नहीं होता, और स्लोप का मतलब ही डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए हम उसे नॉट डिफरेंशिएबल बोल देते हैं। ये स्मूथ है मगर उसमें छेद है तो हम क्या कहेंगे? लिमिट एग्जिस्ट बट डिस्कॉन, अरे यस, लिमिट एग्जिस्ट बट डिसकंटिन्यूअस।
नॉट डिफरेंशिएबल तो हो ही गया, यस. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डिसकंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल. छाप ले छाप ले, ऐसे होकर बैठो एकदम. लिमिट एग्जिस्ट कंटिन्यूअस, मगर इस पॉइंट के इधर देखो स्लोप कितना है, बहुत ज्यादा, और इधर पे स्लोप कम हो गया. कक्षा 10 11वीं का स्लोप, तो एल एच डी यहां का स्लोप माइनस वन, आर एच डी, तो एल एच डी आर एच डी नॉट इक्वल. बोले तो स्लोप ऑफ लेफ्ट नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ राइट, तो ये क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल. ये पॉइंट है, यहां पर हम टेंजेंट खींच सकते हैं. तो टेंजेंट के टिकने के लिए सपोर्ट चाहिए. अब ऐसा टूटा पड़ा है तो यहां कहां जाके टिकाऊं उस डंडी को, तो यहां तो हो ही नहीं सकता. यहां गड्ढा है तो कहां टिकेगी, गोंद कहां लगाऊंगा. यहां पर डंडी आप रखोगे तो ऐसे ऐसे झूलेगी, यहां किसी ना किसी तरह बैलेंस हो सकती है. तो हम जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींच सके, यानी कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट होनी ही चाहिए, कंटिन्यूअस होना ही चाहिए, यहां एल एच डी आर एच डी दोनों इक्वल है और मुझे लगभग माइनस तीन बटे चार लगते हैं, तो यस ये डिफरेंशिएबल भी हो गया. और उसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू, यानी कि स्लोप की वैल्यू ही उसका डिफरेंशिएशन है. लिखो साहब, सुंदर फोटो बनाइएगा. इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप का फार्मूला है, बोलो क्या. ऊन में नैने मिट्टी, मिट्टी में नैना तू, ऊन नैने मिट्टी, मिट्टी में नैना तू. अब ये तो किसके लिए था, स्ट्रेट लाइन के लिए. किसके लिए था दीदी, ओ दीदी पहले इधर देख लो. अरे पहले इधर देख लो, चांद जलने मुझे इस पॉइंट का स्लोप चाहिए. कैसे मिलेगा, यहां एक टेंजेंट खींची, इसके स्लोप के बराबर है स्लोप, टेंजेंट का स्लोप ही कर्व का स्लोप, वही है x1 y1, यस. और ये कोई पॉइंट है x2, तो x2 कॉमा fx2 वही है जो उधर लिखा है x2 कॉमा y2, सही है, सही है. तो दरअसल हम ये फार्मूला लगाकर ये निकालते हैं इसका स्लोप. आप सोचिए, हमको ये चाहिए और हम निकाल क्या रहे हैं, गड़बड़ हो गई ना है. मिसाइल मारनी थी कहां पे, इस्लामाबाद पे, और वो मुड़ के चली गई नॉर्थ पोल. क्या काम की, अरे हाँ हाँ
अरे यस, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? इस X2 को अपन नजदीक लाते हैं, तो अब स्लोप क्या हो गया? पहले से कुछ बेहतर हो गया क्या? अरे हाँ, एक तो एकदम परफेक्ट होता है और एक थोड़ा बुरी स्थिति में है, तो अपन उसे कहते हैं ना यार कुछ करो तो अच्छे हो जाओगे। तो वो बोले कि मैं पहले से बहुत अच्छा हूं, इसका मतलब पहले और बुरी स्थिति में था। चाहिए ये, पहले हमारे पास ये था तो एकदम ही गलत था, अब थोड़ा सा ठीक हुआ है। ज्यादा ठीक करने के लिए क्या करें? X2 और नजदीक ले आए हैं। अरे हाँ, सही जाए ना, यानी कि दरअसल इस डिस्टेंस को कहते हैं X1, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी का नाम क्या? तो पूरी डिस्टेंस X2 इज इक्वल टू क्या है? X1 प्लस क्या? तो X2 माइनस X1 क्या है? चेहरे से हाथ हटाओ। X2 माइनस X1 क्या है साहब? H है। तो अपन ने ये सब यहां लिख दिया अपॉन क्या, और हम दुआ कर रहे हैं कि ये H कैसा हो जाए? जीरो। एकदम ही तुमने जीरो कर दिया तो X1 और X2 एग्जैक्ट इक्वल हो गए। तुम क्यों सर झुका के बैठे हो 45 मिनट में टेस्ट देने वाले भैया? ना तो दिल टेस्ट में लगा, ना यहां लग रहा, न जाने नीचे क्या देख रहे हो। ऊपर देखना भाई। नहीं, तुम नीचे देख रहे थे गोलू, तो मैं पूरी क्लास में सिर्फ तुमको ही क्यों टोकूंगा क्या? यदि आपने H को एग्जैक्ट जीरो कर दिया तो X1 और X2 एग्जैक्ट इक्वल, तो Y1 Y2 इक्वल, तो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो। अनडिटरमाइंड केस क्या हो जाएगा? तो ज्यादा अच्छा क्या है कि H जीरो नहीं हो, जीरो जैसा हो। समझ रहे हैं आप भावनाओं को? तो Y2 माइनस Y1 बोले तो क्या, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन, अरे हाँ, तो आपकी कोई बुआ होगी या किसी बच्चे की बुआ आपकी मम्मी होगी, यानी वो कौन हुआ तुम्हारा? मामा का बेटा। तो आप लोग जब सालों के बाद एक दूसरे के पास जाते हैं, 3 4 साल मान लो टाइम ही नहीं मिला जाने का, बच्चों के एग्जाम थे या सुहाग सर ने कोचिंग में छुट्टी नहीं लगाई, अलग अलग कुछ ना कुछ बहाने हो गए, और मौका भी मिला छुट्टी पे जाने का तो कुल्लू मनाली चले गए, मामा के यहाँ नहीं गए। फिर लंबे समय बाद गए तो आपकी मम्मी और उधर वाली मामी एक दूसरे से मिलते हैं, और फिर तुम लोगों को देखकर वो मामी क्या कहती है? कितने बड़े हो गए, जैसे उनके बच्चे तो बड़े ही नहीं हुए। तो उसको कहते हैं Δy/Δx। क्या? एक बड़े समय के अंतराल में आपकी हाइट का डिफरेंस, आपकी पर्सनालिटी का डिफरेंस। अरे हाँ, अरे यस यस। तो पंडित जी को कुंडली दिखाई तुम्हारी मम्मी ने, और पंडित जी ने कहा कि ये बच्चा यदि अपनी गाड़ी, हाँ भैया आओ, कहाँ
कल 15 अगस्त को कोई टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे आएगा, नहीं पढ़ाते, उनसे कहना आज़ादी से जीने दो क्या और आज़ादी से मैथ्स पढ़ने दो क्या। अरे हाँ ना, जिनको आईआईटी पहुंचना है हम उनको पढ़ा रहे हैं, हम सबको जबरदस्ती थोड़ी पढ़ा रहे हैं। अरे हाँ कि ना, और कोई बोले ना कि आज़ादी आज़ादी तो कहना भैया पुलिस वालों को छुट्टी दे दो, काय को चौराहे चौराहे खड़ा रखा उनको, आज़ाद दिन है क्या। आर्मी वालों को भी छुट्टी दो, उनके घर भेज दो, पाकिस्तान वाले अच्छे से अंदर घुस जाए। अरे आज़ादी का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अपने काम इम्पोर्टेंट काम छोड़ दो। अरे हाँ कि ना, सुबेरे नहाने धोने से छुट्टी, अरे यस, अरे हाँ, नगर निगम का वो नल खोलने वाला छुट्टी कर दे उस दिन तो आपके घर पानी आएगा क्या, यस यस, अरे हाँ, मम्मी बोल दे हट जाओ छुट्टी, खाना नहीं मिल रहा, यस। तो आप लोग ये बताओ, स्पेशल में क्या चल रहा था, स्पेशल शीट में फंक्शन चल रहा था ना, तो वो फंक्शन आगे बढ़ाएंगे, तो कल का टाइम बता दो भाई। अरे दीदी स्कूल जाएंगे, लड्डू मिलते हैं उधर, स्कूल जाओगे ना, जाना। अरे हद हो गई, आज 12वीं है ना, 12th में हो ना आप लोग, तो आखिरी साल है, फिर थोड़ी कोई बुलाएगा, और कॉलेज में ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता, जरूर जाओ। और उन लोगों को अभी फोन करके बोल दो तुम्हारे प्रिंसिपल टीचर को कि चॉकलेट मत बांटना, एलपेन लेबे और कैडबरी के ना दोनों विदेशी कंपनी है, तुम आज भी विदेशी कंपनियों की गुलामी करवा रहे हो हमसे, तुम लड्डू बांटो देसी। अरे हाँ कि ना, मतलब कंसेप्ट है बात में, तुम तो इकट्ठे होके और दोस्तों को ये सब सिखा देना, नारेबाजी करना वहीं कि ना ये क्या विदेशी चॉकलेट बांट रहे हो तुम। अरे हाँ कि ना, मैं हूं नहीं ना यार, होता तो मैं जरूर करता। हाँ लकी सर बांटेंगे भाई, ठीक भैया पेड़े बंटवाना इनको, पैसे लेकर आना। नीचे स्टाफ लाके देगा और बंटवाना सांची के शुद्ध पेड़। तो स्कूल से फ्री होकर का टाइम बताओ। नहीं नहीं सुबह नहीं दीदी, देशभक्ति करनी है अपन को। दीदी क्या नाम है आपका, शाहिमा और जुनेरा, ये दोनों कह रही है देशभक्ति मत करो, लोग गलत सोचेंगे भाई, शक करेंगे आपके भारतीय होने पे। बताओ बताओ, 3 बजे से, 3 बजे से कोई दिक्कत। अरे दोपहर का खाना खाओ, रेस्ट करके आओ, लेफ्ट करवट लेटना चाहिए दोपहर का खाना खाने के बाद 10 मिनट। नींद आती है इसका मतलब तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, तो उस 10 मिनट लेट कर आओगे तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, फिर आप उठिए हाथ मुंह धोइए और फिर अपना पढ़ाई करिए, क्योंकि शरीर इंपॉर्टेंट। पढ़ाई पढ़ाई कर लिए, खूब अमीर हो गए, खा ही नहीं पा रहे, हजम ही नहीं हो रही पेट में कुछ, बच्चे खा रहे और मुंह चढ़ा रहे हैं तो क्या मतलब उनके लिए कमा के छोड़ना। हाँ कि ना, बताओ 3 बजे रखते हैं ना, 3 से 7, नहीं नहीं 3 से, 3 PM टू 7 PM, ठीक है। और ट्यूजडे 12:30 से 3:30 फंक्शन बचेगा कि खत्म हो जाएगा, नहीं तो लिमिट का प्रिंट आउट ले लो, भले इनको नहीं मिला, मिल चुका है लिमिट, स्पेशल मिल चुकी है भाई, तुम दोनों शीट कल भी रखना परसों भी रखना। तो वही क्या, फंक्शन और फंक्शन खत्म हो गया तो लिमिट स्पेशल, 4 से 6
सब लोग प्रेजेंट रहना, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये जेडबली मेन के लिए है बहुत जरूरी। चार नंबर का क्वेश्चन आता है और एक एक नंबर पे 500-500 रैंक ऊपर नीचे सरकती है, मतलब 2000 रैंक ऊपर नीचे होना, और फुल आने के लिए तो जरूरी है हर टॉपिक। पार्ट वन पार्ट टू बुक के अंदर ये चैप्टर है, वो बुक लेकर आना, नहीं मिली तो दोस्त से फोटो कॉपी कराओ। दीदी वो गाना है ना, तारो फोटो न थी तो फोटो कॉपी पण चाल से। अरे यस, मतलब तेरा फोटो नहीं है तो फोटो कॉपी भी चलेगी। यस, वैसे गाना गलत है, गुजरात में फोटो कॉपी शब्द का मतलब कोई जानता ही नहीं है, वहां नाम चलता है जेरोक्स। मैं एक बार गया, मैंने कहा फोटो कॉपी कर दो, तो कहता फोटो की दुकान उधर है। उसने मुझे स्टूडियो भेज दिया, खूब घूमता रहा। फिर एक ने समझाया कि जेरोक्स बोलो, जेरोक्स तो वो कंपनी है ना, मोदी जेरोक्स फोटोकॉपी मशीन, वहां इंग्लिश यूज होता है क्या? जेरोक्स, फोटोकॉपी कोई शब्द ही नहीं है इंग्लिश में, तुम हो एमपी वाले। 6 to 8 में मैं 11th क्लास रहेगी तो उसमें स्पेशल भी आगे बढ़ा सकते हो उनके लिए, ये सीक्वेंस सीरीज दोबारा नहीं, सीक्वेंस सीरीज, और चाहो तो उनके स्कूल डाउट, स्कूल लेवल कुछ भी, तो भाई तुम चाहो तो फोटो खींच लो। थर्सडे छुट्टी रहेगी भाई राखी के दिन, मेरे को खुदा ने तो बहने नहीं दी, उनने कहा ये लायक नहीं है बहनों के। अरे हाँ, अब जब खुदा को भी ठीक नहीं लग रहा तो मेरे को बहने नहीं करनी चाहिए। अरे हाँ क्यों ना, ठीक। और शनिवार को मैं खुद रहूंगा, और रविवार को टेस्ट रहेगा सुबेरे, और 12 से 6 रहेगी मेरी ये, मेरे को एक दो दिन क्लास ले लेने दो, एओडी खत्म हो जान दो, इंटीग्रेशन में जब कदम रखेंगे तो संडे की जरूरत नहीं है। डन डन, ठीक भैया, फोटो खींच लो भैया। अरे तुम्हारे पास गूगल का फोन है, मैंने सुना, बड़े लोग है भाई, अपन तो कीपैड चलाते हैं इंटेक्स का। अरे हाँ कि ना, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कह रहा था पंडित जी का, क्या इसको लिख लो तो तुम लोग, फ्रंट पेज या लास्ट पेज पे, फ्रंट या लास्ट पे। दीदी आप लोगों को भी आना चाहिए, काम का नहीं है मगर आना चाहिए। हाँ वीडियो के लिए आना। अरे यस यस, आशु जैन नाम का एक बच्चा सीपीटी एग्जाम जो अप्रैल मई में हुई होगी 2013, प्रथम नायक ने 258 रैंक लगाई 2013, और सीपीटी से आशु जैन ने लगाई ऑल इंडिया सेकंड रैंक। ठीक है, 50 नंबर के 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक मैथ्स होता है और 3 सब्जेक्ट कॉमर्स की दुनिया के होते हैं। उसके मैथ्स में मेरे से पढ़ा 50 में से 49, कितने, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होता है, गलत करने पर 0.25 माइनस होगा, मतलब सेम रेशो हो गया। अपने यहाँ जेडबली मेन में 4 मिलते हैं, एक माइनस होता है, रेशो सेम है। उनके यहाँ सही करने पर एक नंबर मिलता है, गलत करने पर -0.25। बाकी तीनों सब्जेक्ट में 48 48 48, मैथ्स में कितने, और 50 पूरे आते, मगर उनके यहाँ जो एग्ज़ाम होती है उसमें पारदर्शिता नहीं है जितनी आईआईटी में है, उधर पेपर ही घर ले जाने को नहीं देते। अब मिसप्रिंट है तो कौन ऑब्जेक्शन उठाएगा, कौन केस करेगा? तो मैंने कहा भाई कौन सा क्वेश्चन नहीं बना तुमसे, तो उसने कहा कि सर एक्चुअली क्वेश्चन रॉन्ग था, मेरा जो आंसर आ रहा था वो ऑप्शन ही नहीं था, वो मैंने बहुत अच्छे से चेक कर लिया, टाइम बहुत था मेरे पास, तो यदि मैं टिक कर देता कुछ गलत तो वो लोग -0.25 कर देते और केस वेस तो होता ही नहीं है इधर। अरे यस, इसलिए कि ना, नहीं तो मेरे पूरे 50 आते, उस एक पेपर में नहीं आ सकते क्योंकि मिस प्रिंट थी। तो
अगले साल आए होंगे 50। तो उस बच्चे ने जब अखबार वालों को इंटरव्यू दिया तो उसका मालूम क्या कहना था, सिलेक्शन टारगेट नहीं था, टारगेट रैंक थी और ऑल इंडिया सेकंड रैंक, नहीं सेकंड नहीं फोर्थ, ऑल इंडिया रैंक फोर। तो आप लोग अपना टारगेट जस्ट सिलेक्शन नहीं, रैंक बनाओ अंडर 500, अंडर 1000, तो तुम्हें ये सब क्लास अटेंड करने की इच्छा जागेगी। अब तुम बैठे हो आराम से, हाँ मैं तो ले ही आऊँगा, सिलेक्शन के लिए कितने 40% चाहिए, मैं 41 तो ले ही आऊँगा। तो वो किनोरी पे होगा सिलेक्शन, क्या मतलब, टारगेट बड़ा रखो। चलो तो अब सुनो, पंडित जी क्या कहकर गए थे आपकी मम्मी को कि ये बेटा आपका इस पूरे महीने यदि गाड़ी तेज चलाया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और ये तो मम्मी ने कहा कि बेटा तू 60 के ऊपर मत गाड़ी चलाना। अब बेटे को नई नई गाड़ी मिली थी तो बेटे का घर और कोचिंग के बीच में आड़े टेढ़े रास्तों से जाते हुए 10 किलोमीटर लेंथ थी। कितनी? तो मम्मी ने कहा कि पता कैसे चलेगा कि इसने 60 से ज़्यादा तेज नहीं चलाई। तो मम्मी ने क्या करा कि चल गाड़ी चालू कर, घड़ी में 5:05 हुए हैं, कोचिंग पहुँच के तुरंत मुझे फ़ोन लगाना कोचिंग की लैंडलाइन से। तो बच्चा पहुँचा 5:15 पर और फ़ोन लगा दिया। तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 मिनट में पूरी। बच्चे की स्पीड क्या थी? 1 किलोमीटर 1 मिनट, 60 किलोमीटर 60 मिनट, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चे की स्पीड क्या थी? बच्चे की स्पीड 60 थी कि कम थी कि ज़्यादा थी? बताओ ना, क्वेश्चन है गणित का। अरे भाई साहब, रास्ते में ब्रेकर आया होगा, रेड लाइट आई होगी, उसने गाड़ी रोकी होगी, गाड़ी धीमी करी होगी, तो फिर तो उसको 12 मिनट में पहुंचना चाहिए, वो 10 पे कैसे पहुंच गया? इसका मतलब जब वो रुकता था उस टाइम को कवर करने के लिए स्पीड बढ़ा रहा था। बच्चा मान नहीं रहा था, पंडित जी हमेशा सच बोलते हैं, बच्चा मरने वाला था। तो अब मम्मी ने मुझे कहा कि मैं क्या करूं, क्या करूं कि, क्या करूं कि। तो मैंने उनको कहा कि साहब आप कान में ईयरफोन लगा दो इसके और फोन करना, और फोन में ये सुविधा होनी चाहिए कि 1 घंटे के बाद तुरंत फोन एक्टिव हो जाए। समझ रहे हैं आप बात को? और बच्चे की खास बात, बच्चा झूठ नहीं बोलता। तो मैंने मम्मी को सिखाया कि अब आप अचानक फोन किया करो और बच्चे से पूछा करो, बता स्पीड कितनी है गाड़ी में, तो वो बता देगा। और फोन क्या सुविधा, अपने आप अप हो जाता है 1 घंटे के बाद। तो बच्चा चल रहा है, गाड़ी चल रही है, घंटी आई तो उसने बोल दिया कि इतनी स्पीड है। बच्चा झूठ नहीं बोलता, बच्चा क्या बोलता है, यस गाड़ी 85 पे भाग रही थी, पहली घंटी कान में बजी, उसने क्या करा, रेस से हाथ हटा दिया, नॉर्मल हो गई, कहाँ पर आ गई, 60 पे। अब मम्मी ने कहा लो बेटा कितने पर है, अब कितने पर है, झूठ थोड़ी बोल रहा है, 60 पे चले, अभी गाड़ी कितने पर है। अब मम्मी को क्या करना चाहिए, बच्चा एक्चुअली झूठ नहीं बोल रहा ना, वो कहाँ झूठ बोला, बोला क्या, अब क्या करना चाहिए जल्दी बताओ। ऐप ऐसा होना चाहिए मोबाइल में कि उसमें कैमरा होना चाहिए और कैमरा स्पीडोमीटर पर लगा होना चाहिए,
आप समझ रहे हैं बात को? और इस ऐप के बारे में मैंने सोच लिया था वर्ष 2005। हम कुछ लड़के लड़कियां सीसीडी में बैठे थे, 10 नंबर वाले में, कैफे कॉफी डे, ठीक, वहां पर था, शायद बंद हो गया इन दिनों में, अभी भी है। तो मैं तो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुका था और पैसे कमा रहा था, मैं कहीं पर भी घूमूं। मगर जो लड़कियां थी वो बीएसएस की थी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की। तो एक लड़की का फोन बजा, उसने फोन नहीं उठाया क्योंकि म्यूजिक बजता रहता है, मम्मी को पता चल जाएगा कि म्यूजिक कहां से आया कॉलेज में। वो बाहर गई और मालूम क्या बोली, मम्मी लाइब्रेरी में हूं, रखो। वापस अंदर आके बैठ गई। तो उस समय मैंने सोचा था कि ये बच्चे माँ बाप को कितना धोखा दे रहे हैं। ऐप ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को पता ही ना चले और फोन अपने आप ऑन हो जाए, घंटी ना बजे और फोन अपने आप ऑन हो जाए, कैमरा भी ऑन हो जाए और आसपास की वीडियो मम्मी को दिखने लगे। आप सोचो। तो वो मैंने उस समय सोचा था, उस समय तो कीपैड वाले फोन चलते थे, मगर आज एंड्रॉयड आ चुका है और ऐसा ऐप आप लोग बना सकते हो। और युवा उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनके मम्मी पापा तुरंत ये ऐप बच्चे में भी डाउनलोड करेंगे और उनके में भी करेंगे और खूब बिकेगा। आपको बनाना हो तो शुरू कर दो। अरे यस, समझ रहे हैं आप बात को? तो वो मोबाइल फिट कर दिया जाए कैमरा ऑन करके, कहाँ, स्पीडोमीटर पे, और मम्मी बोल दे बच्चे को कि मैं हर कभी फोन लगा सकती हूं और तुझे पता नहीं चलेगा, तेरे स्पीडोमीटर का डिस्प्ले मुझे मिल जाएगा और फिर अगले दिन से तेरी गाड़ी छिन जाएगी। अब बच्चा चलाएगा? अब तो ये वाला डेल्टा कौन सा था, कौन सा था? 5 साल बाद आप मामी के घर गए, फिर फोन करके मम्मी पूछ रही थी, तो बच्चा स्लो करके बता रहा था, वो भी यही डेल्टा। डेल्टा यानी कि डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस या? मगर जो मैंने अब बोला वो क्या, घंटी आई और फिर डिस्प्ले आया, वो आपका ये है क्या, वेरी स्मॉल क्या? और एक और एक क्या हो सकता है, मम्मी गाड़ी पे बैठ जा, दैट इज दिस स्पॉन्टेनियस क्या? मतलब मम्मी ही बैठी और स्पीडोमीटर ही लगातार देख रही है, आपका कर लोगे? अरे हाँ हाँ, समझ रहे हैं आप भावनाओं को? इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये आपका डिफरेंशिएशन और ये आप लोग फिजिक्स में यूज करते हो, ठीक। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि एच कैसा हो जाना चाहिए और ये डिफरेंशिएशन कहां हो रहा है, dy by dx कहां निकल रहा है, x इज इक्वल टू एक्स वन पर, इस पॉइंट पर मुझे इधर चाहिए, इधर चाहिए, इधर चाहिए, इधर चाहिए, बहुत सारी जगह पर डिफरेंशिएशन चाहिए। तो कहा गया कि आप लिखिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x1 लिखना बंद कर दो, x प्लस h लिखो, fx लिखो, h लिखो। तो ये क्या कहलाएगा, dy बाई डी एक्स या फिर डी एफ एक्स अपॉन क्या, dx या फिर f डैश x। तो आप याद करो कुछ दिन पहले ये सीख रहे थे अपन और मैंने कहा था कि अभी डायरेक्ट लिख लीजिए, मैं आपको बाद में सबूत दूंगा, डेरिवेशन करूंगा, तो मैं झूठ नहीं बोलता, रटवाता भी नहीं। ये उसका डेरिवेशन, लिखे जल्दी फटाफट, मिटा दूं इसको बच्चा, बात ना करें, तुमको नहीं आना ना, ये ड्रॉपर का टाइम लिखा है, तुम में से जो फ्री हो वो आ सकता है, छुट्टी करो ना स्कूल की, क्या रखा है उसमें। अब एक चीज सुनिए बड़े ध्यान से,
एफ डैश एक्स अपन ने लिखा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन क्या, चेहरे से हाथ हटाओ, सीधे होके बैठो, आर एच डी तो ये खुद ही होता है, आर एच डी तो ये खुद है, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस हो गया एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन क्या, एल एच डी जब आप करोगे ना तो एच अपने आप में कैसा है, जीरो माइनस एच कैसा है, मतलब माइनस 0.0001, यानी कि एक्स माइनस 0.001 और नीचे भी क्या माइनस 0.001, मगर काम करने में दिक्कत होती है इसलिए यहां इसको क्या लिखते हैं, प्लस ही लिखते हैं, यहां क्या लिख देते हैं भाई, यदि हम इसको जीरो माइनस लिखें और यहां ऐसा का ऐसा ही रहने दें तो इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस क्या माइनस का 0.001, तो बात वही हो गई ना, मैंने माइनस अलग से लिख दिया और इसको पॉजिटिव कर दिया, यहां एक्स माइनस का 0.001 रखने की जगह माइनस लिखकर एच प्लस का रख दो, तो हमको जब चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, तो हमको यदि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी है LHL, RHL और FA, यदि ये तीनों आपस में इक्वल है तो हम LHD, RHD पे जाएंगे, डन मालिक। और वैसे तो मैं आपको ग्राफ का खेल सिखा दूंगा, ग्राफ बनाओ और तुम्हें पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, लिखो जल्दी फटाफट, ये तीनों एक साथ ही लिखना, इसका मतलब सुनो क्या होता है, डन डन डन, डिफरेंशिएबिलिटी है, इस एरो का मतलब है कि यदि ऐसा है तो क्या ऐसा भी है, मतलब ये फर्स्ट चीज है और ये सेकंड बात कर रहे हैं हम, मतलब ये हां पता चल चुका है तो क्या ये हां जरूरी है, तो ये चिन्ह लगेगा कि इस पे कट लगा दूं, कट लगेगा ना, डिफरेंशिएबिलिटी कहीं है तो क्या कंटिन्यूटी जरूरी है क्या, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या कंटिन्यूअस भी होगा क्या, और कंटिन्यूटी है तो डिफरेंशिएबिलिटी भी नाम है और ये नाम भी है, कंटिन्यूटी है पता चल गया तो पक्का डिफरेंशिएबिलिटी भी होगी, तो इस पे क्या लगेगा, सीधे बैठ जाओ दीदी, सीधे बैठ जाओ, एन यू ओ यू एस लिखना है स्पेलिंग, एन यू ओ यू एस, डिसकंटिन्यूअस, तो बोलो हमें पता चल गया, सुन ले बे लिखे जा रहे हो नालायक, हमें पता चल गया कि डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब पक्की बात है कि कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, है कंटिन्यूअस, हाँ बोलो डिसकंटिन्यूअस है ये पता चल गया तो डेरिवेबिलिटी पक्का नहीं होगी, ऐसा यस यस लिखिए ये चार चीज, ऐसा लिखे स्टार लगाकर इन चार पॉइंट के ऊपर जाके लिखो, अरे अपन वो पढ़े ना LHD RHD लिखी ना, चलो आगे लिखो, तुम तो छोड़ो इनके बाद लिखो, नीचे आगे लिखो किसी एक पॉइंट पर डेरिवेबिलिटी चेक करना,
किसी एक पॉइंट पर डेरिवेबिलिटी चेक करना एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ डैश ए माइनस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ठीक। यहां हम एफ डैश ए की बात नहीं करते, कंटिन्यूटी के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, एफ ए माइनस एफ ए और क्या, यहां इसका जिक्र होता है। डेरिवेबिलिटी में डैश के साथ ए का जिक्र होता ही नहीं है। लिखो साहब ये सारी बातें लिखना, कंटिन्यूटी में जिक्र है एफ ए का, जैसे लिमिट में क्या होता है, क्या लिखा मैंने, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए बात किस पे चल रही है, एल एच डी आर एच डी पर, और एक प्रकार की लिमिट है वो हम चेक कर रहे हैं। तो लिमिट एग्जिस्ट कब होती है, एल एच एल आर एच एल पर, तो वैसे ही डेरिवेबिलिटी एल एच डी और बस वो इक्वल करना है। हम एग्जैक्ट ए पे जाके तो देखेंगे ही नहीं, कंटिन्यूटी की तरह नहीं देखेंगे। ये सब लिखा, अब लिखिए किसी इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। लिखिए लेट केस वन करके लिखना, लेट इन ओपन इंटरवल, ठीक। इसमें बस इतना लिख दीजिए, सी यदि ए और बी के बीच में है तो एफ डैश सी माइनस इक्वल हो जाना चाहिए किससे, बस इतना काफी है। हमको ओपन इंटरवल में काम करना है, क्लोज में नहीं, किस में काम करना, ओपन में। तो ये जो लिखा है इसका मतलब क्या, मस्ट बी डेरिवेबल इन ईच एंड एवरी पॉइंट lies between a and क्या। इस कोडिंग का मतलब भी ये है कि बस वो बीच के सभी पॉइंट पर डेरिवेबल हो, ओपन इंटरवल में बात कर रहे हैं। लिखिए साहब ये काम का नहीं है, मगर डेफिनेशन के हिसाब से बता दिया मैंने कि तुम ये नहीं बोलो कि बताया नहीं था, और ऐसे बॉक्स बना के ये भी लिख देना। डन डन। अब लिखिए इन क्लोज्ड इंटरवल केस टू, लेट इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। इसमें दो चीजें होंगी, पहली रिक्वायरमेंट तो ये है ही, एक नई रिक्वायरमेंट आ गई, एफ डैश ए प्लस, आप जैसे ऐसा फंक्शन है, ये ए है और ये बी है और यहां बात चल रही है, तो इस ए के इस तरफ की बात करेंगे एंड बी के, एफ डैश बी बस एग्जिस्ट करें, आपस में इक्वल होना या एफ डैश ए या एफ डैश बी की बात नहीं करेंगे, मैंने पहले ही बोल दिया, यहां सिर्फ लेफ्ट और राइट की बात होगी। यानी कि अब की बार दो शर्त है, इसमें एक ही शर्त थी क्लोज्ड इंटरवल में। नींद आ रही दीदी, थोड़ी थोड़ी, नखून मत खाओ, खाना खा लो भाई, माथे से हाथ हटाओ। कल स्कूल जरूर जाना भाई, और जो मैंने बताया उस पर झुंड इकट्ठा करके ऑब्जेक्शन उठाना। अरे हाँ, यदि आपकी एक्टिविटी अच्छे से काम कर गई, मतलब एक्टिव रहे आप, तो पता चलता है कि अगले मुख्यमंत्री आप हैं। स्कूल और कॉलेज से ही तो शुरू होती है क्या लीडरशिप, नेतागिरी। नेतागिरी का इंग्लिश शब्द क्या है,
लीडरशिप, पॉलिटिक्स राजनीति होती है गोलू, नेतागिरी मतलब लीडरशिप। अरे हाँ, इसका आंसर निकालो, मेरे साथ बातें मत करो भाई साहब। सुनो, मेथड वन सुनो साहब। LNX का ग्राफ बताओ तुम तो भैया। सही है, मॉड LNX का ग्राफ, ये चीजें पलट जाएंगी बस। तो यहां पर हमें शार्प कॉर्नर दिख रहा है, नॉट डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये फोटो से मैंने कहा था कि ग्राफ के दम पे तो मैं ऐसा सिखा दूंगा कि फोटो बनाओ आंसर पाओ, मगर एक्सप्लेन करना LHD RHD वो कैसे करोगे वो करके दिखाओ। वन पर LHD निकालो, वन पे RHD निकालो। आइए मैं करूं, इसको लिख लिया, देखिएगा। सबसे पहले तो आप फंक्शन को डिफाइन कीजिए कि मॉड LNX एक्चुअली क्या है। एक्स जब वन से बड़ा है तो इसका नाम क्या है? इसका नाम मेथड टू। और एक्स जब छोटा है किससे, तो ये अंदर की चीज नेगेटिव हो जाएगी, उसको पॉजिटिव करने के लिए बाहर एक और माइनस। तो LHD लिमिट H टेंस टू जीरो प्लस F वन प्लस H माइनस F वन और नीचे क्या RHD। तो लिमिट H टेंस टू जीरो प्लस और वन प्लस इसमें आएगा कि इसमें आएगा, ऊपर वाले में वन से ज्यादा यानी कि ये। तो LN की गोदी में क्या माइनस F1 मतलब नीचे क्या, तो लिमिट H टेंस टू जीरो। अच्छा मैं मेथड थ्री भी सिखाऊंगा, तो LN वन प्लस H अपॉन H हम जानते हैं कितना होता है। अब अपन ने यहां निकालते हैं LHD लिमिट H टेंस टू जीरो प्लस F1 माइनस H F1 और नीचे क्या, तो लिमिट H टेंस टू जीरो प्लस। अब कौन सा यूज होगा वन से जरा सा कम, तो माइनस LN बोलो वन माइनस H अपॉन क्या, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, LN वन माइनस वन इंटू H है। तो एक्चुअली H का कॉफिशेंट क्या है वो आंसर होता, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट मतलब डेरिवेबिलिटी नॉट पॉसिबल। ये तरीके से कितने लोग सफल हो पाए, कसम से जरा सी भी कमी है तो हाथ मत उठाना। फंक्शन डिफाइन नहीं किया तो भी हाथ मत उठाना। सिर्फ दो लोगों के आधे आधे हाथ उठे हैं, क्या नाम भैया का, सौरभ साहू और आदित्य मालविया। लिखिए साहब, सिखा रहे ना। मेथड थ्री आ रहा है, हाँ सब्र अली का तो रखो, मिटा दो। मेथड थ्री लिखिए, मेथड थ्री F-X इज इक्वल टू, सुनो अबे सुनो, इसका झई के झई डिफरेंशिएशन। एक्स क्या लिखा है, इक्वल हट जाएगा, मैंने क्या बोला था एफ ए पर बात नहीं करेंगे, ये बड़ी काम की बात। ये क्या है, यस तो अब बताइए F-1 से जरा सा कम
वन से जरा सा कम, यानी कि आपको इसमें पुट करना है. यस, एफ डैश वन प्लस का मतलब आपको इसमें पुट करना है. इसका नाम मेथड थ्री. डन डन डन. मिटा दूं इसको, मिटा दूं. यहां पे लिखो कि जब हम ये मेथड लगाएंगे तो इधर इज इक्वल टू के चिन्ह हट जाएंगे सारे. अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी. नया क्वेश्चन एल एन स्क्वायर एक्स, यानी कि एल एन एक्स का होल स्क्वायर. बात ना करो भाई. देखिए साहब, LHD लिमिट H टेंस टू जीरो ln स्क्वायर वन माइनस H माइनस ln स्क्वायर वन अपॉन H लिमिट H टेंस टू जीरो प्लस ln वन माइनस H इंटू ln वन माइनस H. ये तो जीरो हो गया ना, और माइनस एच ये इसके साथ क्या बना लेगा, माइनस वन और नीचे ये माइनस इनटू ये क्या हो गया, आर एच डी लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एल एन वन प्लस एच स्क्वायर माइनस एल एन स्क्वायर वन लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एल एन वन प्लस एच एल एन वन प्लस एच. तो ये तो हो गया माइन इंटू एल एन वन प्लस जीरो. एल एन वन जीरो होता है और ग्राफ में नोक खत्म हो जाएगी. अब ग्राफ कुछ ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, स्क्वायर होने की वजह से नोक खत्म हो जाएगी. करिए, और इसका तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी हो रहा था, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन स्क्वायर एक्स. तो चेन रूल टू एल एन एक्स और एल एन एक्स का डी बाई डी एक्स, तो टू एल एन एक्स अपॉन एक्स. अब आप वन रख दीजिए तो जीरो अपॉन वन जीरो. दोनों मेथड, तीनों मेथड लिखो फिर से. ये क्या है साहब, टेंजेंट? ओ हेलो, नहीं लिखना ना अभी, कोई तो प्रेम पत्र तो लिखेगा नहीं जहां बैठ के, मैथ्स का ही लिखेगा, वो ही नहीं लिखना. इस पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप x माइनस, ये स्लोप किसका, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप की जगह क्या, x माइनस क्या, और इसके बारे में कहेंगे कि x इज इक्वल टू x वन का स्लोप. ठीक, ये कौन है, नॉर्मल अभिलंब. तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, भाई उस लाइन का स्लोप, इनटू क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या,
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हुआ पलटी खिला के साइन चेंज, यानी कि -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो ये क्वांटिटी जो भी आएगी वो यहां बैठेगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा व अभी लंब। नीचे अभिरंजन सर हैं, वो उनको पूरा नाम बोलना पसंद नहीं है, वो खुद का नाम अभी अभी बोलते रहते हैं, और वो लंबे भी हैं। तो क्या हुआ, अभिलंब क्या हुआ? तो उनका इंग्लिश वर्जन क्या होगा? नॉर्मल। लिखे ये बनाया, अरे यस मिटा दूं। ये क्वेश्चन लिख लो, मेरे को बोर्ड मिटाना पड़ेगा। क्या है अपना करना भाई, दूसरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहा? क्या लिखा है ये? अब इंग्लिश तो आती नहीं है तुमको, कौन सा स्कूल गए हो तुम? उसके पहले सेंट जोसेफ कोएट के बच्चे, तो हिंदी पढ़ ले, देख क्या लिखा। मतलब पता चला कि फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं है, तो काय को टेंजेंट नॉर्मल एग्जिस्ट करेंगे? दीवार से दूर होके बैठो तो दीदी दीक्षित हट, दूर हट जाओ एकदम। कौन से सब्जेक्ट में ऐसा हो रहा है? तो एक गाली लिख देने का उधर नहीं, मैं उनको OMR भेज दूंगा। केमिस्ट्री में भैया मेरी गलती थी, मतलब मेरी गलती नहीं, मुझे नहीं मालूम। 9229225051 पर SMS डालो, वो चित्रंजन सर के उस पे डालो कि ना आंसर पॉइंट में आ रहे हैं और आप लोग उसको इंटीजर में डाल रहे हो। चित्रंजन सर का नंबर लेके जा, सुन ले, याद हो जाएगा। 8999900001। हाँ डाल दो तुम तो, कि ना चार क्वेश्चन है उसमें से तीन तो डेसिमल है। मिटा दूं मिटा दूं। कितने लोग के पास कुछ ना कुछ आंसर आ गया? अरे ओनली यस सक्सेना, स्लोप ऑफ टेंजेंट पता कितना? नहीं कर रहा है एग्जिस्ट, वेरी गुड। कितने लोग कह रहे हैं एग्जिस्ट नहीं करेगा? हाथ उठाओ, वेरी गुड। यस सक्सेना और अनुष्का कुमारी, हाँ अनुष्का शर्मा तो मैंने नाम दिया है, अरे हाँ कि ना? बोर्ड पे देखना रे बाबा रे, सभी लोग देखना रे बाबा रे। सुनो सुनो, LHD लिमिट H टेंस टू जीरो साइन 0 - h का स्क्वायर अपॉन 0 - h माइनस, ये क्या दिया है? जीरो ही तो दिया है, और क्या दिया नीचे? क्या लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस साइन माइनस एच का होल स्क्वायर, और नीचे क्या? तो साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर क्या हो गया? प्लस का वन हुआ। क्या हुआ गोलू? अब RHD देख भाई तू, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस साइन जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस प्लस एच का स्क्वायर, नहीं माइनस जीरो, नीचे क्या? साइन एच स्क्वायर, नीचे भी क्या? एच स्क्वायर। क्या हुआ इसका मतलब? स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? तुम कह रहे हो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो। यश शब्द का मतलब क्या होता? माता पिता का नाम पॉजिटिव की दुनिया में फैलाना, ये अपयश करवाने वाले लोग हैं क्या? ऐसा ही है गोलू। देख अब एक्स वन कितना है? जीरो, और वाई वन कितना है? जीरो। ये
जीरो ये वाला है और ये जीरो ये वाला है। हाँ, तो टेंजेंट y माइनस जीरो इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस जीरो, नॉर्मल y माइनस जीरो इज इक्वल टू x माइनस जीरो, मगर इस वन को पलटी खिला के साइन चेंज करके लिखने का। ये नहीं बना तुमसे। अगला चैप्टर है ना, अगला क्या चैप्टर है? AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो उसकी झलक झलक तो दिखनी चाहिए ना। मिटा दूं मिटा दूं, आगे बढ़े। ये गिफ है, अधिकतम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। रिया नाइक नाम के कोई बच्चा इधर वीडियो लैब में, भाई साहब बगल में पूछ लो। ओ मानस, वीडियो लैब में या सारी क्लासरूम में ढूंढवाना रिया नाइक। कलम चला। देखो साहब, मैं करता हूं, बोर्ड पे देखना और चीज को समझना कि हो क्या रहा है। ये जो चीज है मॉड वाली, 1 माइनस 4x² का वेवी कर्व, तो 1 माइनस 2x लिखा है और क्या लिखा है, तो इसका वेवी कर्व कैसे बनेगा? 1/2, और वेवी कर्व कहां से आएगा? नीचे से आएगा। यस यस, यानी कि हमें तो डील कब से करना है? जीरो से वन तक जाना है, तो जीरो से हाफ तक ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो हम ये फंक्शन को सुधारेंगे हमारे हिसाब से कि भाई बुरखा खोल दो, 1 माइनस 4x² है जब ऐसा है, और मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस होता है इसलिए आप दोनों जगह इज इक्वल टू लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो। और 1/2 से 1 तक है नेगेटिव, नीचे नेगेटिव, तो सुधारने के लिए लगे डंडे। अब 1 से आगे जाना है, तो देखते हैं ये जो फंक्शन है y² - 2x का मिनिमम मिलता है x इज इक्वल टू -b/2a पे मिलता है क्या? बोर्ड पे देखना भाई। तो x इज इक्वल टू -b/2a यानी कितने पे मिलेगा? यानी कि इस चीज का ग्राफ 1 पर मिनिमा देगा। और क्या मिनिमा देगा, क्या देगा? अरे हाँ, तो इसका ग्राफ ऐसा जाने वाला है। तो 1 से लेकर 2 के पहले तक, 2 नहीं, 1 से लेकर 2 के पहले तक क्या आंसर है? -1 से 0 के बीच। तो -1 से 0 के बीच का गिफ, और स्पेशली x इजिकल टू 2 पर उसने x एक्सिस को काट दिया यानी 0, 0 का गिफ। अब ये हमारा सुंदर फंक्शन है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। आप ऐसा कन्वर्ट कर पाए तो कहा जाएगा कि तुम्हारा फंक्शन चैप्टर अच्छा है। अब फंक्शन कमजोर पड़ा है तो सब कमजोर है, कुछ लोगों के ऊपर से निकल गई, एंटीना भी ऊंचा कर रहे थे तो भी नेटवर्क नहीं पकड़ा रहा था। अब तुम छूटी हुई वीडियो ना देखे तो मैं क्या करूं? आप लोग घर जाके आज, अभी आपकी वैसे क्लास है 4 से 7, स्पेशल उसमें क्या है, क्या डिस्कस होना है आज? फंक्शन। वो उन बच्चों के लिए है जिनको IIT पहुंचना है, 4 से 7। तो वेरी गुड। यहां देखो भाई, मिटा दूं इसको, मिटा दूं, क्वेश्चन पार्ट मिटाता हूं। चलो देखो इधर, क्या फंक्शन 1/2 माइनस पर क्या दे रहा है? जीरो।
और ये भी क्या देगा, किस पे चेक करना था, वन पे, सॉरी एफ वन माइनस पर क्या पुट करूं, इसमें वन पुट कर दूं ना तो आंसर क्या आएगा, और एफ वन प्लस डिफरेंशिएशन नहीं है ये, है ना, सिर्फ फंक्शन की वैल्यू है, तो उसके लिए क्या माइनस वन फिक्स वैल्यू है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अब डिसकंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल भी तो होगा, सिंपल सी बात है। तो देखना, एंड एफ डैश एक्स, बोलो बोलो बोर्ड पे देखो, इसका डिफरेंशिएशन बोलो कितना, माइनस एट एक्स कब के लिए, और इसका कब के लिए, अब आप जरा सोचो एफ डैश वन बाई टू से जरा सा कम, बोलो कितना आएगा, माइनस फोर आएगा, और एफ डैश वन बाई टू से थोड़ा सा ज्यादा तो प्लस फोर आएगा, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, तो यानी कि एक आंसर और एक आंसर, दो आंसर हो गए। जीना जीना ना सीखा मैंने जीना, अरे ना अरे हमदम। तुम्हारा दिल कह रहा होगा कि भैया टू पे क्यों बात नहीं कर रहे, कह रहा है ना, तो मैंने आपसे क्या कहा था, एग्जैक्ट एफ ए पर बात करेंगे ही नहीं है, यहां रख वन बाई टू है, वन आएगा, अब यसी तो करेंगे ये लोग, वन बाई टू का स्क्वायर फोर होगा गोलू, फोर से फोर कटा, वन माइनस वन जीरो, अच्छा ये प्लस का जीरो, ये माइनस का जीरो, ओके, बड़े लोग हैं भाई, बड़ी बातें करते हैं ये लोग, इनका नाम है यश सक्सेना। क्या गिर गया, पेन गिरा हुआ बता, मिटा दूं इसको, मिटा दूं, अगला क्वेश्चन करें। ना 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 ना, आपसे कह रहे हैं कि ये फलन सतत है x के पूरे सभी वास्तविक मानों के लिए, तो a तथा b बताएं, बोलो, वेरी गुड, a ढूंढो, माथे से हाथ उठाओ, काई की ले लो ना, तो कितने लोग के पास ए एंड बी आ गया, हाथ उठाओ, अरे राम राम, ए जीरो और बी माइनस वन, जीरो एंड माइनस वन, और तुम देखो इस क्वेश्चन की सरलता की हद देखो, मतलब आप देखो उसका सरलपन देखो, देखना साहब, इसमें माइनस वन रखा, इसमें भी रखा, डा 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 डा, अरे बी वन आ रहा है भाई, बी वन आ रहा है ना, वो बैग फेंको ना यार, उसके चक्कर में तो झुक के बैठते हो तुम लोग, क्या है दीदी का, ये फालतू चीजें नहीं निकालते हैं ना, ना 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 ना, ये मैंने क्या चेक करी, कंटिन्यूटी है तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल और इज इक्वल टू एफ माइनस वन, यदि अलग से डिफाइन होता तो मैं तीनों को इक्वल कर देता। अब एफ डैश एक्स निकालते हैं, बाबा ए थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए,
ए बराबर माइनस वन बाई टू है, मैं चेक कर लूं, मेरा तो कुछ गलत नहीं है साहब। हाँ मैं कैसे गलत हो सकता हूं भाई, पृथ्वी घूमना नहीं रुक जाएगी। लिखो जल्दी, छाप मारो छाप मारो, हाँ छाप मारो।